राजगढ़ जिले के ग्राम पिपलिया कुलमी में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने लोकसभा सीट की कांग्रेस प्रत्याशी मोना सुस्तानी के समर्थन में एक आम सभा को संबोधित किया। दिग्विजय सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नोटबंदी करने से न आतंकवाद खत्म हुआ, न भ्रष्टाचार समाप्त हुआ और न ही काला धन आया। सरकार पर केवल बोझ पड़ गया है, नोटों का रंग बदल गया है लेकिन कीमत वहीं की वहीं। 500 का नोट पहले भी उतने में बिकता था, आज भी उतने में ही बिकता है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बड़े पैमाने पर अमित शाह जैसे भाजपा के नेताओं ने दलाली ली है। नोटबंदी लाया जाए ना, इसमें आतंकवाद खत्म हुआ, ना भ्रष्टाचार समाप्त हुआ, ना काला धन आया, केवल सरकार पर और बोझा पड़ गया, नोटों का रंग बदल गया लेकिन कीमत वो की वही। 500 का नोट पहले भी उतने में बिकता था, आज भी 500 रुपए का है। 2000 का नया नोट आ गया, ये सारा का सारा ये है। और छपाई में लगभग 20,000 करोड़ छपाई में चले गए। ये पूरे तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया गया और बड़े पैमाने पर अमित शाह जैसे भाजपा के नेताओं ने इसमें दलाली की है। वहीं ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ होगा और नहीं हुआ तो मैं आपके बीच वोट मांगने नहीं आऊँगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नागरिक मौजूद थे। खिलचीपुर से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। कर्ज माफी का वचन दिया और अभी प्रभारी मंत्री जी ने बोला है, प्रभारी मंत्री जी ने तो आपको आश्वस्त किया ही है, पर मैं तो आपके गाँव में खड़ा रहता हूँ, मुझसे लड़ना अगर कर्ज माफी का पैसा आचार संहिता के पास न डल जाए, गारंटी लेने आया हूँ यहाँ पर। और मैंने तो राय साहब गांव में भी ये कहा है कि अगर कर्ज माफी का पैसा खातों में नहीं डला तो वोट मांगने नहीं आऊंगा लोगों के बीच में।